Hey there guys, welcome to Anonymous Riders Vlog. So in today's vlog I'm gonna review my bike. I actually spent one whole year with this bike, so I'm gonna review my bike today. So I will share my experience with you guys कि कैसा रहा मेरा जर्नी इस बाइक को एक साल चलाते हुए. एक्चुअली मैंने तीन चार राइड्स पे भी गए हैं बहुत कुछ, और यूजुअली मैं डेली कम्यूट करता हूँ मेरा बाइक को लेके. तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा. एंड गाइस आई एम गोना शेयर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस बाइक. तो प्रोज के लिस्ट में मैं एक एक करके आप लोग को बोलता जा रहा हूँ कि ये सब है जो आपको जाननी चाहिए बाइक खरीदने के पहले. इफ़ यू गोना बाय अपाचे 164B यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स. तो मैं आप लोगों के साथ प्रोज और कॉन्स दोनों शेयर करूंगा. तो अब प्रोज के लिस्ट में बोलते हैं तो दिस बाइक इज़ डैम स्मूथ. हैट्स ऑफ टू TVS दैट यू हैव मेड अ बाइक लाइक दिस. एंड आप लोग को दूसरा TVS का बाइक चला के पता नहीं चलेगा कि ये बाइक कितनी डिफरेंट है. बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है. इसका इंजन गजब का स्मूथ है एंड हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ ऑसम. ये भी अच्छा है, ब्रेक का बाइट भी बहुत अच्छा है. और सो गाइज talking about the mileage, you can expect about 40 kilometers per hour in the mixed mileage. I'm saying कि हाईवे में सिटी में आप चला रहे हो तो डेली कम्यूट आपको 40 किलोमीटर के लगभग ऐसा ही कुछ माइलेज मिलने वाला है. एंड अगर आप बाइक को बहुत प्यार से चलाते हो, दैट इज़ हाईवे में आप बहुत लॉन्ग टूर कर रहे हो और आप लोग 70-80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड मेंटेन कर रहे हो, तो आप लोग को बस 45 के ऊपर माइलेज मिल जाएगी. तो that is actually very good, very good. 45 kilometers per liter is a very good mileage from 160cc bike. And agar aap phad ke chala rahe ho boss bike ko, bahut rash chala rahe ho, ganda chala rahe ho, then mileage I would say aapko 36 37 se zyada nahi milne wali hai, then bahut deteriorate kar jayega. So guys, if I would say about the handling qualities of this bike handles really very well. Bahut acha handling quality characteristic hai is bike ka. Aap lean karoge kahi bhi कॉर्नर लोगे तो आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलने वाली है एंड यू विल बी डैम कॉन्फिडेंट वाइल राइडिंग दिस बाइक. सो और अगर ब्रेक्स का क्वालिटी के बारे में बोला जाए तो ब्रेक्स का बाइट सही है, बहुत अच्छा है, अच्छा बाइट पकड़ती है. लेकिन आई होप अगर आगे का टायर 90 सेक्शन नहीं होके 100 का होता और कंपाउंड थोड़ा अच्छा होता देन इट वुड हैव बीन मोर बेटर. क्योंकि TVS जो पहले से जो टायर्स प्रोवाइड करती है रेमोरा टायर्स प्रोवाइड करती है एंड रेमोरा टायर्स इज़ काइंड ऑफ वेरी एवरेज. आई डोंट लाइक रेमोरा टायर्स. एंड बाकी और प्रोज का लिस्ट में अगर ऐड करेंगे तो इसका एग्जॉस्ट नोट इज़ काइंड ऑफ गुड. आई लाइक द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक. एक्चुअली थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, मतलब जिसका जितना भी इसका सेगमेंट का बाइक्स है उनमें से मेरे को इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत बढ़िया मिलता है. मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है इसका एग्जॉस्ट नोट. एंड इफ आई से अबाउट द मिरर्स, द फील्ड ऑफ व्यू वी गेट इन दिस मिरर्स इज़ रियली गुड. इंजन तो एकदम वाइब्रेशन लेस है, स्मूथ है बॉस पे, तो मैंने पहले भी बोला है. एंड पीछे का ब्रेक भी अच्छा है, ठीक ही है काइंड ऑफ. दिस बाइक इज़ गुड, एक्चुअली रियली रियली गुड. एंड गाइज नाउ आई वुड लाइक टू शेयर द कॉन्स ऑफ दिस बाइक विद यू. तो कॉन्स का लिस्ट में अगर बोला जाए तो फर्स्ट कॉन मेरे को ये लगता है कि इसका डिस्क क्वालिटी, इस बाइक का जो डिस्क है उसका क्वालिटी मेरे को सही नहीं लगता है बॉस. क्वालिटी बहुत गंदी है. जब ये ब्रेक मारोगे तभी आपको बहुत गंदा एक नॉइज़ सुनने को मिलेगा. आप कभी भी भीड़ भाड़ में ब्रेक मारते हो एंड दैट विल बी डैम अनोइंग. साउंड कम्स व्हाइल यू आर ब्रेकिंग योर बाइक, दैट इज़ पैथेटिक. एंड कॉन्स में और दूसरे चीज़ भी बोला जाए तो इसका टायर्स, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशनड TVS प्रोवाइड्स रिमोरा टायर्स. तो रिमोरा टायर्स आर काइंड ऑफ ऑफुल, आई डोंट लाइक देम, बहुत घटिया है. तो रिमोरा टायर मेरे को पसंद नहीं. और आगे का टायर अगर 90 नहीं होकर 100 होता देन इट वुड हैव बीन बेटर. एंड कॉन्स के लिस्ट में दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा तो इसका जो आगे का सस्पेंशन का फोक्स है वो बहुत पतला है. मेरे को काइंड ऑफ चंकी फोक्स ज़्यादा पसंद है. इसका फोक्स उतना चंकी नहीं है. इसका सस्पेंशन सेटअप बहुत ही आपको लगेगा कि वीक है, बट नॉट वीक एक्चुअली. द सस्पेंशन सेटअप इज़ वेरी गुड. द रियर सस्पेंशन इज़ ऑन द स्टीफर साइड. एंड इफ आई टॉक अबाउट द गियर बॉक्स देन आई वुड लाइक टू से गियर बॉक्स मक्खन जैसा है, इट इज़ बटर स्मूथ. इसका गियर बॉक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. आपको 160 सेगमेंट में ऐसा गियर बॉक्स नहीं देखने को मिलेगा. तो एड इट इन द लिस्ट ऑफ द प्रोज. एंड अब कॉन्स के बारे में दूसरी चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ, नाउ आई लाइक शो द मेजर कॉन ऑफ दिस बाइक जो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं, वो है
देखिए ये जो चीज़ है ये इतने आसानी से लगती नहीं है, खुल तो बहुत अच्छी तरीके से जाती है। देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये खुल गई बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप इस तरह से लगाने का कोशिश करोगे तो ये बॉस लगेगी नहीं, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है। पेट्रोल पंप में कभी भी रुकोगे एंड दैट विल बी डैम एम्बेरेसिंग अगर आपको इस तरह से लगाना पड़े तो। इसका मेन टेक्निक आई वुड शो यू, ऐसे प्रेस इट विद द थंब, ऐसे करके पकड़े चाबी को, फिर थंब से प्रेस करें एंड देन जस्ट टर्न इट, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी इसे लगाने में। हाँ, कॉन्स के लिए इसमें एक और चीज़ बोल सकते हैं कि इसका बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आप लोग को गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता तो वो और भी बढ़िया होता है, जो कि कार्बोरेटर में नहीं दिया। पता नहीं टीवीएस ने ऐसा क्यों किया कि आपका जो एफआई वेरिएंट है उसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर दिया और जो कार्ब वेरिएंट है उसमें नहीं दिया। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, सो गाइज देयर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइज, जो कि अगर आप TVS Apache 164V कार वेरिएंट ओन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आपके बाइक के साथ हो सकती है। एंड आपको कुछ मालूम नहीं चलेगा क्या हुआ है, लेकिन गाड़ी अचानक से रुक जाएगी और आपको मतलब फिर से चालू नहीं होने का कुछ मतलब चालू होने का नाम ही नहीं लेगी। एंड दैट इज़ चालू होना भी नहीं चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है आपके बाइक के साथ, तो लोगों को मालूम नहीं चलता है और वो लोग घबरा जाते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा। तो गाड़ी को रोकते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक बेल्ट है जो यूजुअली ढीला हो जाता है, तो यही चीज़ दिक्कत करता है, इसी के वजह से आपका बाइक बंद पड़ जाती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर वो कभी आपका बाइक रुक जाए तो पहले तो वो चीज़ चेक करें, उसे टाइट कराएं एंड देन आपका बाइक वापस स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो देन अनदर प्रॉब्लम मस्ट बी देयर। द अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू पुट अप इन द लिस्ट ऑफ कॉन्स, दैट इज़ द हेडलाइट। हेडलाइट का पावर भी बहुत एवरेज है गाइस, तो आप अगर नाइट के टाइम पे इस बाइक को राइड कर रहे हो तो देन यू कैन फील दैट द हेडलाइट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। तो सो माय सजेशन वुड बी दूसरा का फिक्र नहीं करके आप अपना बाइक को हाई बीम में चलाइए। इफ़ यू रियली फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड ड्रॉप समथिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मेरे चैनल पे दूसरे वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे दूसरे बाइक्स के रिलेटेड एंड मेरे टूर्स के रिलेटेड, तो यू कैन चेक देम आउट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड आई विल ब्रिंग लॉट मोर स्टफ्स इन नियर फ्यूचर। सो गाइज देयर मस्ट बी माई इंस्टाग्राम लिंक ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, सो जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट यू मे गेट मोर क्विकर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।